सब आईजी नोडल और आईबीसीडी के मैनेजर को मंच पर एक एक कर बुलाना चाहूंगा। इससे पहले मैं आग्रह करूंगा कि वो लोग मंच पर सीन में जाए और उनके लिए जोरदार ताली, जो झूला से हमें मार्गदर्शन मिलता है उनके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। मैं मंच पर माइक्रोफोन मैनेजर पटना पूर्वी चंपारण जिला से माइक्रो फाइनेंस मैनेजर को भी आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर कि वो आवे मंच पर, मंच की शोभा बढ़ावे। और अब मैं हेल्थ न्यूट्रिशन मैनेजर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि जीविका में उनके योगदान को उनके शब्दों में थोड़ा सा हम लोगों के लिए मंच पर आग्रह है कुंदन जी से कि अगर एक बच्ची का आम पत्र खो गया है, उस बच्ची का नाम है सरिता कुमारी, माता किरण देवी, रामनाथ पटेल, पिता का नाम है आकरम से ले जाए। हेलो, युवका परिवार की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन और धन शुभकामनाएं। बड़ी खुशी की बात है कि घोड़ा सहन बीपीआई से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी बच्चे बच्चियों के भविष्य के लिए यह कार्यक्रम युवा मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें जो कंपनी आई है कंपनी के माध्यम से जिस तरह का क्वालिफिकेशन है वह बच्चा बच्ची अपना रजिस्ट्रेशन करावे और अपने नौकरी के लिए भविष्य उज्जवल करें। हम आपको बताते चले कि हमारे बाएं तरफ आपके लिए स्वास्थ्य को जागरूक करने के लिए हमारी स्वास्थ्य टीम भी लगातार बैठी हुई है। आप वहाँ पर अपना स्वास्थ्य जांच भी करवा सकते हैं। यहाँ पूरी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो टीम आपको सजेशन देगी और आपके स्वास्थ्य के प्रति भी हम जागरूक है, इसलिए स्वास्थ्य की टीम भी आकर इस स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का भी आप आनंद ले सकते हैं। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जिला से आए आईबीसीबी मैनेजर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आईबीसीबी मैनेजर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो आकर दो शब्द आप लोगों के लिए बोले। डूब कर दिल
2022 10 बजे से शाम 4 बजे तक रोजगार मेला सह मार्ग दर्शन मेला लगने जा रहा है। यहाँ अष्टमी नवम दसम एवं इंटर पास बेरोजगार युवा युवतियों के लिए जीविका प्रखंड कार्यालय की तरफ से रोजगार सम्मान दर्शन मेले का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ, आपके शहर भोरा शहर में जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल कॉलेज भोरा शहर के फील्ड में रोजगार मेला सह मार्ग दर्शन मेला लगने जा रहा है, जो दिनांक 21/10/2022 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, जहां पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों को रोजगार दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नियोजन पत्र डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। के तहत मुफ्त प्रशिक्षण टेक एडवर्टाइजमेंट ISMO ट्रेनिंग इंफॉर्मल एजुकेशन केबिन ITI एगो डिप्लोमा हो जाता तोरा पहले। जीविका की एक और योजना सतत जीविकोपार्जन योजना है, और सतत जीविकोपार्जन से जो युवती उपस्थित है राम कौली देवी जी एक सार और एक आती है SJY की। मैं तीनों को आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वो अपनी बात से
अपनी बात को यहाँ मंच पर रखे रामकली देवी जी। सब दीदी भैया के नमस्कार, मेरा नाम रामकली देवी, घर बसतपुर कुंडावा चैनपुर थाना पंचायत सोनपुर। हमारा समय के नाम बा लक्ष्मी जी का सोम सहायता के हम अध्यक्षवाड़ी कबेरी जी का महिला ग्राम संगठन के हम अध्यक्षवाड़ी। हमर मालिक रहस दुख लिया रहस, डॉक्टर माने बहुत इलाज कराइली, हमर मालिक न जिलन बीत गेला तो हमर स्थिति बहुत खराब रहे। खराब रहे तो हम जीविका में समूह में हम जुटली, तो समूह में जुटली तो जीविका से दीदी लोग तीन आदमी गल दीदी लोग तो भैया लोग अलग तो चुनल तो लिख पढ़ के ले गल तो लोग जीविका का तब से हमारा दुकान मिलल। दुकान से हम माने हम अच्छा से अब हम केहू के खेत में हम ना कमाए जाए थे, पहले कमाई रही हम अब केहू के खेत में ना कमाई ले, अब दुकान अच्छा से चलाई ले, अच्छा से हम रही ले, पर बहुत हमारा प्राण के शांति मिलल। पहले ऐसा समय रहे से हमारा बाल बच्चा के अच्छा बर्त माने कपड़ा ना रहे, खाए के लिए अभी भोजन ना रहे, जीवकर के तरफ से हमरा दुकान मिलल तो हम बहुत हम लड़का के अच्छा से कपड़ा लाता भोग खियाई ले, अच्छा से रही ले। किराना दुकान हमरा मिलल बा जीवकर के तरफ से, आप उसे हम 500 रुपये हमारा बचत हुआ है नाफा वाले 500 रुपया तो हम वही से लेके के अच्छा से भोजन कराई ले, कपड़ा लता अच्छा से पहनाई ले, सरकारी में लेकर पढ़ाई कर रखा या प्राइवेट पढ़ाई ले। जीविका के तरफ से देखू हमारा बोले के ढंग ना रहे, चले के ढंग ना रहे, हम जीविका के तरफ से आज स्टेज पर हम माने हम भाषण कर रही थी। धन्यवाद दीदी, अब मैं एक फैन आदमी को बुलाना चाहता हूँ।